जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि जो अपने ग्रेनाइट है, ये वाला ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट का जो नाम है वो है टाइगर स्किन ग्रेनाइट, ठीक है। और रेट के बारे में आगे बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड टाइल मार्बल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आप पीछे किचन देख रहे हैं उसके बारे में, कि किचन का जो है क्या पत्थर जो लगा है, ग्रेनाइट लगा है इसमें, इसका रेट क्या चल रहा है, और ये किचन जो बनाने में आपको कितना खर्चा आएगा। और ऊपर देख रहे हैं आप जो है वो लो बाई डो की सिंपल टाइल लगी हुई है, इसमें कोई भी किचन का टाइल वगैरह का काम नहीं हुआ है, बस सिंपल दो बाई दो की टाइल लगी हुई है। तो आपको बताएंगे कितना खर्चा आएगा किचन बनाने में ये, और किचन में जो ग्रेनाइट लगा हुआ है वो उसका रेट क्या चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये किचन थोड़ा बहुत गंदा है, तो उससे आपको क्या करना है, बस रेट वगैरह को आपको एक आइडिया दे रहे हैं हम, कि मतलब आप भी अपने घर में अगर जैसे किचन बनवाते हैं तो क्या रेट पड़ जाएगा, मतलब आपको क्या कैसा कितना रेट और कितना खर्चे में आप अपना किचन बनवा सकते हैं। तो आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली किचन बनाने में कितना खर्चा आता है एक मॉडर्न किचन बनाने में। चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं पहले कि इसमें जो है एक्चुअली लगा क्या क्या है, फिर उसके बाद जो अपना रेट वगैरह के इसमें फिर बात करेंगे। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि जो अपने ग्रेनाइट है, ये वाला ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट का जो नाम है वो है टाइगर स्किन ग्रेनाइट, ठीक है। और रेट के बारे में आगे बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और यहाँ देख सकते हैं आप, फिर नीचे जो है लाल वाला पत्थर, ढोलपुर बोलते हैं इसको, ये वाला लगा हुआ है पूरे में, देख सकते हैं ये जो आपका धौलपुर है वो आपको 250 रुपये 200 रुपये पर पीस मिल जाता है। ये जो आपका एक धौलपुर है ये वाला, ये आपको 200-250 रुपये मतलब जो है पर पीस मिल जाएगा। इसमें का एक वाइट वाला भी आता है वो भी लेंगे तो आपको ये 200-250 मिल जाएगा। ये आपको पूरा 1 इंच मोटा मिलता है, पहले था कि इसमें चिपकाते थे लेकिन अब जो है ये पूरा पूरा मोटा ही मिल रहा है 1 इंच का। तो आप सीधे आपको लाके इसमें क्या है खड़ा करना है इसको मॉडर्न किचन में। पहले सबसे पहले तो ये अपना नीचे का देख सकते हैं, ये जो धौलपुर है ये खड़ा करते हैं, बिल्कुल गुनिया में खड़ा करते हैं इसको, इधर से भी कुछ भी नहीं बिल्कुल इसको गुनिया में खड़ा करते हैं। और फिर उसके बाद देख सकते हैं ऊपर से जो अपना ग्रेनाइट है वो ये वाला ग्रेनाइट है, इसका नाम है टाइगर स्किन ग्रेनाइट। ये आपको जो है मार्केट में बिल्कुल 70-75 ऐसे ही रेट में मिल जाएगा, 70-75-80 मतलब जहाँ का जैसा रेट होता है वैसा मिल जाएगा आपको। ज़्यादा ज़्यादा ये इसकी स्टार्टिंग हो जाती है 55 रुपये 65 रुपये 65 रुपये 60 रुपये 70 75 ऐसी मिल जाएगा आपको ग्रेनाइट देखने को, लेकिन ग्रेनाइट भी अच्छा है तो आप अपने किचन में इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं कि जो ये सिंपल फ्लोर में जो टाइल लगी हुई है, फ्लोर में अभी तो पीओपी डल चुका है, लेकिन जो आपका ये फ्लोरिंग वाले जो टाइल है ये सिंपल, ये भी इसमें जो है 2x2 की खड़ी कर दी गई है, इसमें कोई भी हाइलाइटर वगैरह और किचन का जो टाइल वगैरह होती है वो नहीं यूज़ किया गया है, इसमें सिर्फ आपको जो है 2x2 की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी कुछ भी इस प्रकार से किचन के ऊपर। और अब बात कर लेते हैं कि जो अपना ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आपको 60 रुपये जैसे बताई दी मैंने पहले कि 60 रुपये 65 रुपये 75 रुपये 55 रुपये मतलब जैसा ग्रेनाइट रहेगा वैसा आपको रेट मिल जाएगा। और देख सकते हैं कि इसमें जो है ये सिंपल एक सीधी से इसको एल टाइप में किचन को डिजाइन किया गया है, आप यहाँ से पूरा दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं कि इसको एल टाइप में डिजाइन किया गया है और ये सीधा सीधा गया है पट्टा, फिर उसके बाद में ये देखिए आपको साफ करके दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से, दोनों साइड से सिंपल एस खड़ा किया गया है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। और यहाँ से आपको जो है एक 3 सेंटी की बोले तो 3 सेंटी मतलब 1 इंच की पट्टी जो है पूरे में ऐसे खड़े में चिपकाया गया है, क्योंकि इधर की जो किचन में पानी वगैरह गिर जाता है वो बाहर ना आए, आप यहाँ से देख सकते हैं किचन का जो पानी वगैरह है वो बाहर ना आए, इसलिए जो है आपको एक सिंपल 3 सेंटी की पट्टी जो है यहाँ पे खड़ी की गई है, ठीक। और आपको बता दें कि ये किचन से जो एस की हाइट है वो कम से कम 5 या 6 इंच होगा, ठीक है। किचन की जो हाइट है ये किचन से जो ये एस की इतनी हाइट है वो 5 से 6 इंच होगा। और आपको एक बार पूरा प्रीव्यू दिखा देते हैं कि किचन एक्चुअली बना कैसा है, देख सकते हैं यहाँ से आपको एक एस खड़ा किया गया मिल जाएगा, नीचे से आपको धौलपुर जो है पूरा में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से आपको ये टाइल का फाउंडेशन है, यहाँ पे भी 3 सेंटी की पट्टी खड़ी करके ये
आपको यहाँ पर टाइल का फाउंडेशन देखने को मिल जाता है, चार तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ से टाइल का फाउंडेशन देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद ढोलपुर खड़ा किया गया है, ढोलपुर के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं इस साइड एस खड़ा किया गया है, उस साइड एस खड़ा किया गया है, बीच में किचन का पत्थर है स्लाब, यहाँ पर ही पत्थर है और इस इधर से एक 3 सेंटी की पट्टी जो है वो चिपकाई गई है बस। तो सिंपल डिजाइन है, ज्यादा कोई मॉडर्न नहीं है। तो हाँ, तो फ्रेंड्स जैसे कि देखा आपने किचन का जो डिजाइन कैसा है, सिंपल डिजाइन है, ज्यादा मतलब कोई मॉडर्न नहीं बोलेंगे कि मॉडर्न डिजाइन है, पूरा एकदम सिंपल डिजाइन है। दोनों साइड से एस खड़ा किया गया, बीच में स्लैब लगाया गया और पट्टी चिपका दी गई है। सिंपल डिजाइन है, इसमें ज्यादा कोई खर्चा मतलब नहीं आएगा, फिर भी आपको बता देते हैं कितना खर्चा आएगा। जो आपने हम आपने ग्रेनाइट देखा, वो ग्रेनाइट आपको जो है स्टार्टिंग हो जाती है इसकी ग्रेनाइट की 55 रुपये, 60 रुपये, 65, 70, 77, मतलब ऐसी आपको इससे स्टार्टिंग हो जाएगी 55 रुपये से इस ग्रेनाइट की। और ग्रेनाइट का नाम है टाइगर स्किन ग्रेनाइट, और जैसे कि आपको हमने वीडियो में दिखाई दिया। और ये आपको जो है ये हमारी जो वाली ग्रेनाइट है वो ग्रेनाइट 70 रुपये स्क्वायर फीट आपको देखने को मिली है। और तो इसमें टोटल जो खर्चा आएगा, मान लीजिए आपकी इसमें 2 भी सीट लग रही है जो ग्रेनाइट की, तो इसका मान पकड़ लीजिए 3000 समथिंग पकड़ लीजिए, तो इसका जो है 6000 यही हो गया। और रेत सीमेंट जो भी मिला के है इसमें, मतलब टोटल जो है आपका मेरे अनुमान से बोलू तो 20 से 25 हजार का खर्चा आ गया है। ठीक है, इसमें जो टोटल किचन बनवाने में खर्चा है वो 20, 25, 30 समथिंग, लास्ट 30 तक आपको इसमें खर्चा देखने को मिल जाएगा टोटल। बस किचन का बात कर रहे हैं कि टोटल आपका किचन का जो ये खर्चा है, ये टोटल आपका किचन का जो है बस समथिंग मान के पकड़ के चलिए कि 30 हजार तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।